मेरे साथ विराट कोहली की दोस्त शुभांकर जी हैं। शुभांकर, एक समय था जब आप लोग इसी एकेडमी में साथ खेलते थे, साथ खाते थे, साथ पीते थे, और कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो है आप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहे। विराट किस तरह से बिहेव करते हैं, कैसा उनका व्यवहार था, किस तरह से वो क्रिकेट खेलते थे? एज फार एज हाई मैं शुभांकर, एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, विराट एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका आज तक कोई शायद चीट डे नहीं रहा। क्रिकेट के साथ ही लिव्स फॉर द गेम, उसी के साथ जीता है, मरता है, उठता है, बैठता है। बचपन में हम उसके साथ हैं सिंस 1998, जब अकेडमी स्टार्ट हुई थी, हम भी बहुत छोटे थे उस टाइम पे, और आज तक कभी हमने उससे एटीट्यूड के साथ बात करते हुए नहीं देखा कि मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हो गया हूँ, हमें ना पहचानना। दो हमारी रेगुलर बात नहीं होती है, साल दो साल पाँच साल में मुलाकात होती है शायद, बट तब भी जब भी मिलता है ठीक लगता है, ऐसे पुराने टाइम के वैसे ही। दादा ही यूज़ टू कॉल मी दादा, दादा कैसे हो, सब ठीक ठाक घर पे, सब बढ़िया। ही यूज़ टू आस्क मी मछली खाते हो, ही लव इट हैविंग फिश। आजकल नहीं खाता होगा बट पहले वो मछलियाँ भी बहुत खाता था। तो पुराने दिनों की चीज़ें हैं, अच्छी है, आज भी हम लोग याद करते हैं। हम लोग उसको हमेशा कोशिश करते हैं कि जब भी वो गेम खेले हमें लगता है कि कोई रन बनाए ना बनाए वो ज़रूर बनाए। 50 सेंचुरियाँ मार दी है, हम तो चाहते हैं वो 50 और मारे। टीवी पे बैठते हैं, घर पे परिवार में सब एक साथ बैठ के देखते हैं कि भैया इसके रन होने चाहिए, दिल में है जी, और कुछ नहीं है। आप उनके घर भी जाते थे, कैसे खाते थे, क्या और उनका किस तरह का बिहेवियर होता था वो भी आप बताएं। प्रिटी नेचुरल, छोटा था, मुझसे 5 साल छोटा था, और विकास उसका भाई वो हमारे एज ग्रुप का था। हमेशा दादा दादा ये करना, इज्जत से बात करना, कभी बदतमीजी नहीं करना। हम डांट दे तो बुरा भी लगता था लेकिन फिर भी बातें सुनता था, ऐसा रिलेशनशिप रहा है उसका हमारे साथ, और आज भी वैसा ही है। कभी भी मिलेगा आई थिंक वो दूर से देख के भी हमें बुला लेता है कि अरे दादा आप कहाँ हो, काफ़ी बड़ा आदमी है, ही इज़ ए बिग शॉट नाउ। हमें भी कई बार लगता है कि हम क्यों जाए उसके पास, हम परेशान ना करें, हम उसको तंग ना करें, बट ही स्टिल हम्बल। एक समय था जब आप उनके साथ खेलते थे, आप उनके लिए आप बता रहे कि बहुत ज़्यादा वो आपकी रेस्पेक्ट भी करते थे, और ऐसे में आज जो है विराट कोहली, देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, और आज जो है हम वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं, क्या लगता है किस पर हम जीतेंगे? ज़रूर जीतेंगे, ना जीतने कोई मतलब ही नहीं बनता, जीतना तो है ही। रेस्ट दोनों टीम अच्छी हैं, दोनों टीम स्ट्रांग है, फाइनल है, फाइनल दोनों टीम खेलेंगे, बट वी विल चीयर फॉर, डेफिनेटली चीयर फॉर इंडिया, एंड वी वुड लव इंडिया टू विन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विराट, ये आपके लिए खास मैसेज था आपके दोस्त की तरफ से, जरूर देखिएगा। इस वक्त दिल्ली से कैमरामैन नईम के साथ श्वेता गुप्ता।